नमस्कार दोस्तों, इतिहास विषय की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम लोक संगीत एवं लोक नाट्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से। तुम तो मनुष्य स्वभाव से संगीत प्रेमी होता है, आप ये जानते हो। चाहे वह किसी प्रदेश का हो, किसी भी संस्कृति में रहता हो, लेकिन एक आदमी का जो मनोविनोद और मनोरंजन के जो साधन हैं, उनमें लोक संगीत और लोक नाट्य की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम हमारे जो रंगीले प्रदेश राजस्थान के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण जो लोक संगीत और लोक नाट्य की जो परंपराएं हैं, उन पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो मित्रों, आज हम इनमें से जो कुछ प्रमुख लोकगीत हैं, उनका वर्णन और जो एक तरीके से जो चर्चा है, वो इस पर करने जा रहे हैं। तो लोकगीतों में देखिए, पड़ीहारी है जो राजस्थान के पनघट से जुड़े हुए लोकगीतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें पतिव्रत धर्म पर अटल पणिहारिन में पथिक के संवाद को गीत रूप में गाया जाता है। जैसे कुंडरे खुदाया कुआं, बावड़ी ए पणिहारी जीरे लो, मिर्गा नैणे जीरे लो, कुंडरे बधाया भीम तड़ाव वाला जी। इस तरीके से क्या है कि एक जो पणिहारिन है, किसी राह चलते पथिक से संवाद करती है, तो उसका जो पतिव्रत प्रेम है, पतिव्रत धर्म है, उससे संबंधित इस लोकगीत की एक भावना है, जिसका जुड़ाव हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम गोरबंद की बात करते हैं। आजकल आप देखते हो गोरबंद नखराड़ा, मतलब जो ऊँट का आभूषण होता है गले का, उसको गोरबंद कहते हैं। इस गीत में जो ऊँट के श्रृंगार से जो जुड़ी हुई बातें हैं, उसका चरित्र चित्रण किया जाता है। और एक तरीके से रेगिस्तानी संस्कृति की जो एक छाप है, वो हमें इस गीत में दिखाई देती है। लड़ली लूमा झूमाए मारो गोरबंद दिखरा लो, आलू जा मारो गोरबंद दिखरा लो, मतलब ये इसके बोल हैं। एक ओल्यू नाम से जो गीत है, इसका अर्थ है किसी स्नेही जन को याद करने से है। इससे संबंधित गीतों को ओल्यू कहते हैं। जो गृहिणी स्त्रियां हैं, अपने पति की याद में इसको गाती हैं, अपने पति को याद करके इस गीत को गाया जाता है। ओ जी ओरी रा लश्करिया ओल्यूडी लगा ले कोठे चले जी ढोला, हिचकी भी इस प्रकार का लोकगीत है। हिचकी और ओल्यू किसी की याद में और किसी को याद करके गाए जाने वाले गीत हैं। एक मोरियो, जो राजस्थान में पक्षियों से संबंधित कई लोकगीत गाए जाते हैं, उनमें से एक मोर को लेके भी गीत गाया जाता है। तो मोर से जुड़ा हुआ है कि आछो बोलो रे मोरियो, मतलब जब मोर बोलता है वर्षा ऋतु का एक मौसम होता है, तो उससे जो जुड़ा हुआ एक ऋतु का जो तादम्य है, वो भी जुड़ा हुआ है। मारे वड़ा मनाचे मोर, इस तरीके से मोर को लेके बहुत सारे गीत राजस्थानी संस्कृति में गाए जाते हैं। वर्षा ऋतु के गीतों में भी बहुत सारे गीत राजस्थानी संस्कृति में समाये हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकगीत थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और भी हम चर्चा कर रहे हैं केसरिया बालम की। कुछ पक्षी विशेष हैं जो ऋतु विशेष के साथ जिनका गीतों में तादम्य दिखाई देता है। हाँ, एक जो महत्वपूर्ण गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये जो है ये मांड शैली का गीत है और राजस्थान की मांड गायकी विश्व प्रसिद्ध है। यह गायकी लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिला जुला रूप है। राजस्थान की प्रमुख मांड गायिका उमे
आप जानते हैं अलाजिला बाई, फतेह बाई और मांगी बाई, ये नाम जाने जाते हैं। केसरिया बालम का जो गीत है वो उसके बोल, केसरिया बालम पधारो आओ नी मारे देश, ये एक तरीके से हमारे जो पर्यटन को जो बढ़ावा देने वाला है। आप बहुत जगह देखते हो तो ये गीत और इसके बोल आओ नी पधारो हमारे देश, ये भी आप देखते होंगे। ये हमारी संस्कृति में समाया हुआ एक लोकगीत है। आला जिला भाई, फती भाई और मांगी भाई इसकी प्रसिद्ध गायिकाएँ हैं। मान गायकी का एक स्वरूप है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मिला जुला रूप। बिंजारा जो लोग वणज करते समय बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, इसे वालद कहा जाता था। लंबी यात्रा करते समय महिलाओं के द्वारा यह गीत गाया जाता था, बिंजारा। चम 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 के चुनरी बिंजारा रे, कोई थोड़ो सो मारे संग नाच रे बिंजारा रे। काफ़ी अच्छा बोल है और बहुत सारी अच्छी धुन में ये गीत गाए जाते हैं बंजारे से जुड़े हुए। और बंजारों से जुड़े हुए बहुत सारे गीत हैं, मात्र यही नहीं, इस पर मूवियाँ तक बन चुकी हैं। जैसे कि आप कभी बंजारन मूवी देखते हो तो वहाँ भी है। इस तरीके से राजस्थानी जो लोकगीत है ये संस्कृति में समाये हुए हैं। एक विनायक हैं जो गणेश जी के जो मांगलिक कार्य होते हैं, उनके जो प्रमुख देवता हैं गणेश जी, उनको डेडिकेटेड जो करके जो गीत गाए जाते हैं वो विनायक कहे जाते हैं, जो कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले बिंदोरी विनायक ये गीत चलता है। चालो आओ विनायक आपा जोशी डरा चाला, अच्छा अच्छा लगन लिखावा, ओ गजानन ओ भारा बिड़द विनायक। बना बनी जो लोकगीत है वो युवक युवती की शादी होने वाली होती है, उस युवक को बना कहा जाता है और युवती को बनी कहा जाता है। तो बना बनी एक तरह से दुल्हा दुल्हन के लिए है, लेकिन ये क्या है कि ये सब सर पे गाए जाते हैं। जब ये मतलब शादी से पहले के गीत हैं बना बनी वाले, शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। वनो तुम्हारो रामचंद्र अवतार, बनी तुम्हारी सीता रीजान की, इस तरीके से है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोक भजन भी राजस्थानी संस्कृति में समाये हुए हैं। तो अब हम थोड़ा सा लोक नाट्यों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लोक नृत्यों से जो जुड़ा हुआ है, जैसे कि भवई, घूमर, गैर, गीदड़, तेरह ताली, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, बालरचरी आदि प्रमुख नृत्य हैं। ये नृत्य अवसर विशेष पर किए जाते हैं। आगे हम लोक नाट्यों की जो परंपरा है और जो लोक नाट्य हैं उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। लोक नाट्य से तात्पर्य यह है कि ये एक कथानक के रूप में और घटित घटना को अभिनय के रूप में एक तरीके से जीवंत होकर, फिल्म पिक्चर्स होती हैं वो पर्दे पे दिखाई जाती हैं, लेकिन नाटक में पात्र होते हैं जो उन घटनाओं को जीवंत करते हैं, तो वही लोक नाट्य कहलाता है। कथानक को, घटना को एक जीवंत रूप देना। तो इसमें इस प्रकार के जो नाट्य परंपरा है उसमें ख्याल, स्वांग, लीला के रूप किए जाते हैं। तो इसी में हम देख रहे हैं गबरी को, जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक आदिवासी भील लोगों द्वारा दिन भर खुले प्रांगण में गबरी का मंचन किया जाता है। यह नाट्य दैत्य संस्कृति पर देव संस्कृति की विजय का प्रतीक है। इसमें स्त्रियों का अभिनय पुरुष पात्र ही करते हैं। इसमें चार प्रकार के पात्र होते हैं, देव, दानव, मानव व पशु। इसका महानायक बुढ़िया कहलाता है, जो भस्मासुर तथा शिव का सम्मिलित अवतार समझा जाता है। राई के रूप में दो नायिकाएं होती हैं। इसमें दिनभर पौराणिक तथा सामाजिक कथा प्रसंगों को नाट्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और वाद्य यंत्र के रूप में मांदल और थाली बजाए जाते हैं। रम्मत
होली के अवसर पर बीकानेर और जैसलमेर में ख्याल के रूप में मंजित होती है और इनमें जैसा कि हेडाउ बेरी अमर सिंह राठौड़ की रम्मत काफ़ी चर्चित है। इन ख्यालों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है वो एक ख्याल के रूप में तुरंगा तुर्रा कलंगी ख्याल है जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की प्रमुख विधा मानी जाती है। इसे माच का ख्याल भी कहते हैं। इसमें तुर्रा शिव का और कलंगी है जो पार्वती शक्ति का अवतार है। इन ख्यालों का प्रारंभ दो दलों की बैठक में सवाल जवाब से शुरू होता है। शहनाई ढोलक हारमोनियम इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। इसी प्रकार से लोकनाट्यों की आगे की परंपरा में स्वांग आते हैं। स्वांगों में भैरूपिया तथा मांडल के नाहरों मतलब शेरों का स्वांग उल्लेखनीय है। जानकीलाल भांड इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं स्वांग के। इनमें नौटंकी तमाशा रासलीला रामलीला राजधारी आदि लोकनाट प्रमुख विधाएँ। तो मित्रों ये एक संक्षिप्त सा वर्णन था, संक्षिप्त सी एक चर्चा थी जो हमने राजस्थान की संस्कृति पर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।